नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश मठपाल, एकेडमिक कंसल्टेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। मैं आपको एमएससी में मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर पढ़ाऊंगा। मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर में अभी जो मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आप बहुत सारे फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to ∞ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इस फॉर्मूले की मदद से आप लाप्लास 1 का निकाल सकते हैं, लाप्लास ई रेस टू द पावर ए टी का निकाल सकते हैं, लाप्लास ई रेस टू द पावर माइनस ए टी का निकाल सकते हैं, लाप्लास कॉस ए टी, लाप्लास साइन ए टी। ये सारे आपको वीडियो में सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका लेते हैं। तो आपको करना क्या है, लाप्लास एफ टी जहाँ मैं बोल रहा हूँ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to ∞ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एफ टी बोल रहा हूँ, एफ टी की जगह पे आपने जिस फंक्शन का आपको लाप्लास करने के लिए दिया जाता है, जैसे 1 का दिया जाएगा तो इंटीग्रेशन में आपको एफ टी की जगह 1 लिख देना है, ई रेस टू द पावर ए टी का दिया जाता है तो एफ टी की जगह ये ले लेना है। फिर बाकी आपका इंटीग्रेशन का पार्ट रहता है जिसको आप सॉल्व करके पूरे लाप्लास के फंक्शन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ चल रहा है हमारा। आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सेल है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, देखिए थिन स्फेरिकल सेल क्या चीज होती है। जैसे आप मान लीजिए फुटबॉल आपने देखी है, फुटबॉल स्फेरिकल होती है, अंदर से खाली है, खोखली है। तो स्फेरिकल सेल मतलब खोखला गोला हो गया, मतलब एक थिन स्फेरिकल सेल है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। तो आप ये मान के चलिए जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को हमने चार्ज कर दिया, चार्ज दे दिया है। तो जो चार्ज है बच्चों, अगर फुटबॉल मेटलिक है तो चार्ज उसकी सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम यहाँ पे 3 केस डिस्कस करेंगे। पहला, उस स्फेरिकल सेल के बाहर, दूसरा स्फेरिकल सेल की सरफेस पे, और तीसरा हम स्फेरिकल सेल के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो 3 हमें केस करने हैं। उसको करने से पहले हम थोड़ा सा इस स्फेरिकल सेल के बारे में लिख लेते हैं। इसमें लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कॉमा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ चार्ज क्यू एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे ध्यान से समझिए, जो इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा, तो इसलिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कह रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या चीज होती है। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये क्या चीज होती है, आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन, आप लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सरफेस। तो सिग्मा इज इक्वल टू, अब देखिए स्फीयर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके लिए सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का, स्फेरिकल सेल का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr² तो आपका सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन 4πr². अब आर का ध्यान देना, हमने जो रेडियस लिया वो कैपिटल आर लिया है। जैसे हमारा ये स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस हमारे पास बच्चों कैपिटल आर है, इसमें इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr², यहां से क्यू हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू 4πr². पहले तो आपको ये ध्यान देना है, आप इस तरीके से रिलेशन को निकाल देंगे।
लास्ट में जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे उसमें हम क्यू की जगह पे ये वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपका आंसर दो तरीके से आ जाएगा। तो एक तो आप इसको जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे केसेस होते हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? यहां पे हम लोग हेडिंग डाल देंगे एट अ पॉइंट आउटसाइड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। हमने ये ले लिया स्फेरिकल सेल जो है उसके बाहर एक हमने पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या डाला हेडिंग, एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल हमने लिखा हुआ है। एट अ पॉइंट आउटसाइड स्फेरिकल सेल का मतलब ये हो गया कि हम ये लिख लेते हैं, देखो यहां पे लेट पी बी अ पॉइंट, लेट पी बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल स्फेरिकल सेल। तो देखिए आपकी ये स्फेरिकल सेल है बच्चों, यहां ध्यान से देखना, इस स्फेरिकल सेल की रेडियस हमने ली थी कैपिटल आर, ठीक है। इससे आपने बोला कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, आउटसाइड पॉइंट है, इस स्फेरिकल सेल के बाहर एक पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है। तो आपने करना क्या है, इस पी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो अब मैं रेडियस ऐसे दिखा देता हूं आपको, इसको कैपिटल आर लिख देता हूं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी आर हो गई। तो अब आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, गॉस लॉ लगाना है, तो गॉस लॉ लगाने से पहले सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर है, मान लो इस तरीके का एक बल्ब है, उसमें से लाइट निकल रही है, तो इसके चारों तरफ जो तुम्हें एनवलप बनाना पड़ेगा वो भी तो ऐसा ही होगा। तो अगर आपके पास स्फेरिकल है तो जो इसके आसपास आपको जो सील बनानी पड़ेगी, कवच बनाना पड़ेगा, वो भी कैसा होगा, स्फेरिकल। तो ये हमने बना दिया, देखिए। तो यहां से लिख देंगे हम लोग लेट अस ड्रॉ अ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस डाल दी जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो अब मैंने क्या कहा था, जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ते हैं तो हमें दो चीजें ध्यान लगानी थी, थीटा जीरो रखना था, एक फाई हमने ई डॉट डी एस से निकाल देना था, एक फाई हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से निकाल देना था, और दोनों को इक्वेट कर देना था। तो देखिए अब जैसे इस पे हमारा चार्ज है इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड रहेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस पॉइंट पे, ये डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने एक छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसिडर कर देना है डीएस, ई और डीएस दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि आपका जब किसी सरफेस पे, आप जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पे डायरेक्शन देखोगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है, स्फीयर, या अब स्फेरिकल से या स्फीयर में देखोगे तो सेंटर से जो आने वाली लाइन है ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये तो हमेशा ही होती है ना, आपको ये पता है कि अगर आप सेंटर से कोई लाइन डालते हैं तो परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो सरफेस है, सरफेस की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए यहाँ पे जो आप छोटी सी सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, इसमें जो डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और जो ये लाइन आ रही है, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री। तो आप कह देंगे कि क्या गॉसियन सरफेस लिख लिया, लेट डी एस बी एन एलिमेंट्री एरिया, लेट डी एस बी एन एलिमेंट्री एरिया एरिया सच दैट ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर, ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। अब इन दोनों के सेम डायरेक्शन में होने से क्या हो जाएगा, आर इन सेम डायरेक्शन, सो दैट अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल होता है जीरो डिग्री, कोई एंगल वो बनाएंगे नहीं, एंगल तब बनता है जब वो एक दूसरे को कट करते हैं। सो दैट ऐसा होने से क्या हो जाएगा, आपका थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। तो फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फाई
इंटीग्रेशन डी फाई हम लोग करते थे। अब देखिए चलिए मैं इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं दोबारा से लिखता हूं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पे हम लोग देखते हैं इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया, फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, डी फाई। डी फाई क्या होगा बच्चों, ई डॉट डी एस, ये एलिमेंट्री एरिया डी एस है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसको बोल दोगे आप ई डी एस कॉस जीरो, क्योंकि एंगल कितना है जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, तो ये आ जाएगा आपका ई डी एस। फिर आपका हो जाएगा, अगर अपने टोटल फ्लक्स की बात करनी है, टोटल फ्लक्स की बात करनी है, तो वो इंटीग्रेशन डी फाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन ई डी एस हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा तो आपका इंटीग्रेशन डी एस हो गया। इंटीग्रेशन डीएस क्या है आपका, टोटल फ्लक्स आपने फाई निकाला है, इंटीग्रेशन डीएस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्फेरिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन सॉल्व करने में जल्दीबाजी करते हैं और उनको पता है, जल्दीबाजी रहती है, उन्हें पता है कि यार स्फेयर का तो एरिया 4r² होता है, तो लिखते वक्त इस बात का ध्यान नहीं लगाते कि कौन सा आर आना चाहिए, कैपिटल आर आना चाहिए या स्मॉल आर आना चाहिए, बस यहीं पे छोटी सी गलती कर देते हैं, पूरा डेरिवेशन स्पॉइल हो जाता है वहां पे। तो देखिए ये यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो आपने इंटीग्रेशन डीएस में लिख रखा है 4πr² जो आपने गॉसियन सरफेस मानी है, तो बेटा गॉसियन सरफेस तो आपकी ये है ना, तो इसलिए जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ पे आपने 4πr² ले लेना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, E इंटू 4πr², इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहां ध्यान दीजिए, एक फ्लक्स आपने ये निकाल दिया, आप पढ़ रहे हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन, तो एक फ्लक्स गॉस लॉ से आता है, फाई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो सरफेस है देखिए, ये गॉसियन सरफेस के अंदर ये स्फेरिकल सेल रखी है और इसके पास चार्ज कितना है, प्लस क्यू, तो आपके पास इस गॉसियन सरफेस ने q चार्ज को इंक्लोज किया है, तो फ्लक्स हो जाएगा phi equal to q upon epsilon naught। तो यहां पे लिखते हैं the Gaussian surface encloses charge, कितना चार्ज इंक्लोज कर रही है, चार्ज प्लस क्यू, सो फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से क्या होगा, फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब 1 और 2 को मैं इक्वेट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका, देखो ई इंटू 4πr² था बच्चों वो, और ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से E की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0Q/r², ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। ठीक है, आप इसको समझ के चलिए, इक्वेशन नंबर आपकी 3 हो गई। इसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आर के अराउंड है, तो आर की डायरेक्शन क्या होती है, आर कैप, तो आपका जो ई वेक्टर है वो हो जाएगा 1/4πε0Q/r² और यहां पे हो जाएगा आपका आर कैप, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म हो गई। तो मैंने क्या देखा कि जो आपका स्फेरिकल सेल है अगर वो आउटसाइड रखी जाए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलता है 1/4πε0Q/r² और यहाँ पे आपका हो जाएगा आर कैप, ये इससे आपका निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये स्टडी कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए आप इसको इक्वेशन 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्म को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया हुआ था, कैसे जो सिग्मा था, सिग्मा क्या था, क्यू अपॉन 4πr² था बच्चों, 4πr², इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एरिया इसी का है, तो इसका एरिया कितना होता 4πr², तो क्यू की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा इंटू 4πr², तो अब यहां पे अगर क्यू की जगह पे वैल्यू कर देते, पुट कर देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, अगर आप 3 कर देते हैं, तो आप इक्वेशन 3 में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो E इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r² यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1/4πε0
क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। आप समझ गए ना, क्यू की जगह सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर लिख दिया आपने। इसके बाद क्या होने वाला है, ये आपका फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप मेरी बात समझिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर उसने बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जैसे पहले वाला डेरिवेशन तुमने ये किया है, देखो यहाँ पे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया है, आर स्क्वायर आपका इस रेडियस के टर्म्स में आ रखा है जो आपने सेंटर से डिस्टेंस ली है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और कैपिटल आर उस स्फेयर की रेडियस है जिस स्फेरिकल सेल की आप बात कर रहे हैं। इस तरीके से भी इस डेरिवेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमसे पूछा जाता है, पहला वाला केस तो हमने पढ़ा एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। दूसरा हमसे पूछ देता है कभी कभी बच्चों, वो पूछता है कि अगर ये पी पॉइंट यहां से उठ करके इस सरफेस पे आ जाता है, तो देखिए इसके सेंटर से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस को हमने आर बोला, पी पॉइंट जहां पे होगा सेंटर से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर होगी। अगर ये पी पॉइंट उठ करके यहां पे आ जाता है तो ये जो आर है वो भी तो ये हो जाएगा, और ये क्या है आपका कैपिटल आर। तो सरफेस पे अगर आप लेके आ जाते हैं तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, आपका कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए केस थर्ड की बात करते हैं, सॉरी केस सेकंड की बात कर रहे हैं, केस सेकंड, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सॉरी ऑन द एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। अब आप यहां ध्यान दीजिए, आप डायग्राम क्या बनेगा, अब आपका इसी में आप कहते हैं तो ये पॉइंट पी हो जाएगा अब आपका, जैसे आप ये बना रहे हैं, अब इस तरीके से बना रहे हैं कि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसका सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर से डिस्टेंस आपकी कैपिटल आर थी। अगर आप कहते हैं कि P पॉइंट यहां लाई करता है तो ये स्मॉल r है, तो क्या हो जाएगा, इफ पॉइंट P लाइज एट सरफेस तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल r, जो स्मॉल r है आपका वो कैपिटल r के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल r का कैपिटल r के इक्वल होने का मतलब ये होता है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला था 1/4πε0Q/r2, अभी आपने निकाला था इससे पहले वाले में, तो आप R की जगह पे क्या बोल रहे हो, कैपिटल R, तो फॉर्मूला हो गया आपका 1/4πε0Q/R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका आउटसाइड। फिर अभी मैंने आपको पढ़ाया Q कितना होता है आपका सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो E की वैल्यू कितनी हो गई 1/4πε0 सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, स्फेरिकल सेल की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो सरफेस पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने आउटसाइड पॉइंट पे देखा और आपने सरफेस पे देखा, तो आउटसाइड पे आपको क्या मिला कि आपने कहा 1/4πε0Q/r2 होता है, सरफेस पाएंगे तो जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर हो जाएगा, सॉरी स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। और क्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr2 था, वहां से क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4πr2 हो जाएगी, उसको रखा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल हुआ, तो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये हमने कर दिया सेकंड केस, जब हमारा चार्ज पार्टिकल कहां पे रखा हुआ है, जब हमारा चार्ज सॉरी जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, जब वो कहां पे रखा हुआ है, इसकी सरफेस पे रखा हुआ है। थर्ड केस होता है कि अगर हम इसको उठा करके अंदर रख देते हैं, केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड क्या कहता है, इफ पॉइंट P लाइज, P कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर है।
A point P lies inside the spherical cell. अगर ये पॉइंट आपका इसके अंदर लाई कर जाता है तो क्या होगा? देखिए, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस तरीके से है. ये स्फेरिकल सेल का सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई कैपिटल. मान लीजिए आपने कहा पॉइंट P यहाँ लाई करता है, तो पॉइंट P अगर लाई करेगा तो उसके लिए गॉसियन सरफेस लोगे, सेंटर O हो गया, ये P हो गया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी अब R. R तो वो डिस्टेंस है ना सेंटर से जहां पे P पॉइंट रख दिया जाए वो R है. आउटसाइड था तो R ये था, सरफेस पे था तो R ये वैल्यू हो जा रही थी, अब अंदर है तो R ये हो गया. अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस पे है, तो अगर आप इस P पॉइंट को लेते हुए जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इसके अंदर तो बच्चों कोई भी चार्ज है ही नहीं ना, तो फ्लक्स कितना होगा आपका? जीरो. फ्लक्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा. तो आप कहेंगे कि जो गॉसियन सरफेस है, इन दिस केस चार्ज, जो चार्ज है वो सरफेस पे है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं. क्योंकि जैसे अगर फुटबॉल मान लो आपके पास मेटलिक फुटबॉल है, उसको आपने चार्ज दिया, तो चार्ज तो उसके सरफेस पर रहेगा ना, उसके अंदर जगह रहेगा, खोखला गोला है वो फुटबॉल जो है, खोखली है ना, तो अंदर तो जाएगा नहीं. तो अगर उसके अंदर आप कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी जो अंदर अगर आप गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं तो चार्ज ही इनक्लोज नहीं कर रही है. तो इन दिस केस चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस वो कितना हो जाएगा? क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा. जो चार्ज इनक्लोज करेगी वो कितना होगा? जीरो. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू जीरो है तो फाइव भी जीरो हो जाएगा. अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फ्लक्स होता है तुम्हारा ई डी एस कॉस जीरो इक्वल टू जीरो. ये तो था इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो इक्वल टू जीरो. यहां से ई हो जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू जीरो. अब एरिया कितना होगा आपका? फोर पाई आर स्क्वायर. ये गॉसियन सरफेस है अभी, इसके लिए जो एरिया होगा फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो. अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो 4 बाय आर स्क्वायर ये तो भाई जीरो नहीं है, क्योंकि ये तो आप कंसीडर कर रहे हैं कोई एरिया है, गॉसियन सरफेस एग्जिस्ट करती है, तो 4 बाय आर स्क्वायर जीरो नहीं होगा. तो कौन जीरो होगा आपका? इक्वल टू जीरो. तो आप बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल एट ऑल पॉइंट्स इज जीरो. आप किसी भी पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकालेंगे वो जीरो निकल के आएगा. क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर कहीं भी अभी पी पॉइंट को यहाँ 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 इसके अंदर कहीं भी कंसिडर करेंगे, चार्ज इनक्लोज नहीं करेगा, चार्ज तो उसकी क्योंकि सरफेस पे है तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी ये चार्ज इनक्लोज नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका? जीरो. आपने तीनों केस डिस्कस कर लिए, अब हम इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे. इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए. अगर इसको हम उससे ग्राफिकली पूछ दिया जाए कि भाई इसका एक ग्राफ बना के दिखाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है मुझे, ई वर्सेस आर. ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये आपकी स्फेरिकल सेल हो गई. ठीक है, ये सेंटर से डिस्टेंस आप लोग लेके चल लेते, सेंटर से डिस्टेंस को आप लोग क्या बोल लेते आर. तो इधर की साइड आपका इस एक्सिस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं. ठीक है, और इस एक्सिस में मैंने यहां पे बच्चों आर ले लिया. तो मैंने क्या देखा? पहले तो ये देखा कि जो E इज इक्वल टू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. ये कहां फार्मूला है? आउटसाइड पे. आउटसाइड के लिए मैंने ये फार्मूला देखा. सेकंड मैंने देखा E इक्वल टू यही फार्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है. कहां पे? सरफेस पे. और थर्ड केस मैंने देखा कि अगर मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूं, ये बेटा यहां पे आपका ये जीरो हो गया, ये O है सेंटर मान लो, और यहाँ पे आपकी जो ये डिस्टेंस है आपकी रेडियस आर होती है. तो अगर मैं आर इक्वल टू जीरो से लेकर के इसके बीच में देखता हूं, जीरो से आर के बीच में देखता हूं, अगर मैं वैल्यू को आर की वैल्यू को सॉरी जीरो और आर के बीच में रखता हूं तो क्या हो रहा है? देखिए, जब आर जीरो से बड़ा है और कैपिटल आर से छोटा है, मतलब ये स्पेस की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? इनसाइड वाला. और अभी हमने देखा कि जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है? जीरो होता है. तो आप यहां पे सीधे सीधे समझ लीजिए कि इस सरफेस के अंदर तो सीधे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा. अब यहां तक तो आप ये समझ के चलो बच्चों, यहां तक तो आपका ई जीरो हो गया.
अगर आप इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं तो आपने ये साफ साफ बोल देना है कि सेंटर से लेके यहां तक तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, लेकिन क्या होता है इसके बाहर जो आप देखेंगे ई और आर में कैसा रिलेशन है इनवर्स का, तो यहां से आपका जैसे जैसे बाहर को आगे की तरफ को बढ़ते जाएंगे तो आपका ई जो है वो आर स्क्वायर के साथ इस तरीके से डिक्रीज करते जाएगा, क्योंकि आउटसाइड ये आपका अंदर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हो गया, फिर जैसे जैसे यहां से बाहर की तरफ को जा रहे हैं तो आर कम हो रहा है, तो यहां पे मैक्सिमम होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आर के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो आर के साथ वो डिक्रीज करता जाएगा, इस तरीके से उसका ग्राफ आ जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू 1/r2। फिर बोल रहा हूं सेंटर से लेके किनारे तक उसकी वैल्यू जीरो है, अभी पढ़ा हमने कि इसके स्फेरिकल जो आपकी स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल जो होती है स्फेरिकल सेल उसके जो इनसाइड स्फेरिकल सेल का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, और उसकी सरफेस से अगर हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं तो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ ई का रिलेशन कैसा है आर के साथ इनवर्स में, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वो डिक्रीज होते जाता है, इस तरीके से आप इसका ग्राफ बना लेंगे। तो आपने तीन केस देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कैसे निकलता है, सरफेस पे कैसे निकलता है, और फिर हमने देखा कि उसके अंदर क्या होता है, तो इनसाइड हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो ये आपकी गॉस लॉ की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको आपने कंप्लीट किया है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन हमने सारी की सारी कंप्लीट कर ली है, कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारा गॉस लॉ का चैप्टर पूरा हो जाएगा।